फुल कॉन्फिडेंट कि इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है उन सारी बच्चियों के लिए जो इस गेम में अपना जी जान लगा के इसे अपना सपना पूरा करना चाहती हैं। आप वैसे क्रिकेट देखो तो क्रिकेट तो इंडिया का रिलीजन है, इट्स नॉट अ स्पोर्ट। सरकार की हेल्प से पहले ही हम अपने आप को हमारी बच्चियों को वो डेवलपमेंट और वो सारी फैसिलिटी देना चाहते हैं। नमस्कार, मैं राहुल चौधरी और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। आपने आईपीएल का नाम सुना होगा, प्रो कबड्डी लीग का नाम सुना होगा, ठीक इसी तरह आज पावना ग्रुप की तरफ से हैंडबॉल वुमेन लीग की भी शुरुआत हो चुकी है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि आईपीएल में एक रोमांच देखने को मिलता है, प्रो कबड्डी लीग में भी इसी तरह से रोमांच देखने को मिलता है, तो पावना ग्रुप की तरफ से ये एक शुरुआत की गई है भारतीय महिला हैंडबॉल टीम की सशक्तिकरण के लिए, उनके विकास के लिए, कि भारत सरकार तो उनको प्रोत्साहित कर ही रही है, ठीक इसी तरह से ये कदम है उनके भविष्य के लिए, उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए। देखिए कितना बड़ा इवेंट ये आज के बाद में हो सकता है और आने वाले जनरेशन के लिए कितना बड़ा संदेश है आज। देखिए जैसे हमारे मोदी जी भी बढ़ावा दे रहे हैं और आज का जो इंडिया है उसमें सिर्फ एजुकेशन नहीं है, सारा स्पोर्ट एक उनके लिए अलग मुकाम है और उसी स्पोर्ट में एक हैंडबॉल ऐसा स्पोर्ट है कि आप उसको बहुत अच्छे से थ्रिल के साथ एंथुसियाज्म के साथ देख सकते हैं और सीख सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों ने देखा नहीं है तो इसका पावर उनको नहीं पता है। बट हमने जो ये इनिशिएट लिया है इसके थ्रू हम इसको घर घर तक पेनिट्रेट करेंगे और इसको इतना प्रमोट करेंगे कि आई तो डोंट हैव एनी डाउट कि इसका फ्यूचर अच्छा नहीं है। आई एम फुल कॉन्फिडेंट कि इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत अच्छा है, नॉट ओनली फॉर इंडिया, उन सारी बच्चियों के लिए जो इस गेम में अपना जी जान लगा के इसे अपना सपना पूरा करना चाहती हैं, तो ये उन सब के लिए एक बहुत बड़ा कदम है और उनके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। एक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी बिग सक्सेस। आपको लगता है जिस तरह से आईपीएल को सक्सेस मिली, फिर उसके बाद में प्रो कबड्डी लीग को सक्सेस मिली, उसी तरह से इसको भी मिलेगी? श्योर, व्हाई नॉट, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप वैसे क्रिकेट देखो तो क्रिकेट तो इंडिया का रिलीजन है, इट्स नॉट अ स्पोर्ट, ये हर एक इंसान की रग रग में है। सो बट मुझे कोई डाउट नहीं है, इट्स गोइंग टू बी एज सक्सेस एज एनी अदर लीग सक्सेसफुली रनिंग इन द कंट्री राइट नाउ। क्या भविष्य में सरकार कभी मतलब आपको हेल्प करेगी इस चीज़ के लिए? अभी तक आपको कुछ हेल्प मिली है सरकार की तरफ से? बेसिकली हम सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल से भी इन टॉक्स हैं, अभी हम उनसे बात कर रहे हैं एंड वी आर, अभी जो हमारा एम है वी आर सेल्फ सफिशियंट, वी वांट टू प्रमोट इट बाय आर सेल्व्स ओनली फॉर एटलीस्ट 3 to 5 years, कमिंग 5 years, एंड देन वील सी। ऑब्वियसली एवरीवन विल सपोर्ट अस एंड वील मेक इट अप बॉम्ब ब्लास्ट। किस तरह से हमारी सरकार बढ़ावा दे रही है खेल को, खुद प्रधानमंत्री जी भी कह चुके हैं कि 2032 तक ओलंपिक में हम इससे भी और अच्छा प्रदर्शन करेंगे जी, तो आपको नहीं लगता कि कल को सरकार भी आपको हेल्प कर सकती है? जरूर करेगी जी, क्यों नहीं करेगी, बट उन सरकार की हेल्प से पहले ही हम अपने आप को हमारी बच्चियों को वो डेवलपमेंट और वो सारी फैसिलिटी देना चाहते हैं, जिससे कि अगर कोई उनका गेम देखे तो दे शुड से कि इन बच्चियों को तो हम खुद ले जाएंगे। सो आई वॉन्ट देम टू बी बिकम, दे आर ऑलरेडी विद दैट पोटेंशियल, बट थोड़ा सा ग्रूमिंग और प्रॉपर फाइनल प्रॉपर फैसिलिटी जो हमको दे सकते हैं हम उन्हें देंगे।